नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। विक्की कौशल, कियारा आडवाणी अभिनेत्री फिल्म गोविंदा नाम मेरा ओटीटी पर रिलीज हो गई है। पहले इस फिल्म को सिनेमाघर में रिलीज होना था, उसके बाद इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फिल्म में विक्की कौशल और कियारा आडवाणी के साथ भूमि पेडनेकर, दयानंद शेट्टी, सायाजी शिंदे और रेणुका सहाणे देखने को मिलती हैं। फिल्म को शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है। इसके अलावा फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है। जब इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया तब अधिकतर लोगों ने फिल्म के ट्रेलर को पसंद नहीं किया था। अब इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है। यहाँ हम गोविंदा नाम मेरा फिल्म का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। कहानी क्या है? ये कहानी गोविंद वाघमारे की है, जिनका किरदार विक्की कौशल ने निभाया है। गोविंद वाघमारे और उनकी पत्नी एक साथ एक हवेली में रहते हैं, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल भी बनती नहीं है। हर दिन दोनों में लड़ाई होती रहती है। विक्की कौशल की पत्नी का किरदार भूमि पेडनेकर ने निभाया है। गोविंद वाघमारे एक डांसर है जो खुद को कोरियोग्राफर बुलाते हैं। इसके अलावा उनकी एक माँ भी है, जिसका किरदार रेणुका सहाणे ने निभाया है। कियारा आडवाणी ने भी फिल्म में गोविंद की को डांसर का रोल निभाया है। कियारा आडवाणी के किरदार का नाम सुक्कू है। सुक्कू और गोविंद एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन गोविंद शादी तभी कर सकता है जब वो अपनी पत्नी भूमि पेडनेकर को 2 करोड़ रुपए वापस कर दे। गोविंद वाघमारे और उसकी पत्नी जिस बंगले में रहते हैं वो गोविंद वाघमारे के पिता का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बंगले पर मालकाना हक जताने के लिए एक और माँ और बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि गोविंद वाघमारे के पिता की पहली पत्नी और बेटे हैं। बंगले से संबंधित मामला कोर्ट में चला जाता है। वहीं इस कहानी में एक डॉन भी है, जिसका बेटा अपना एल्बम बनाना चाहता है, लेकिन उस डॉन के बेटे को ड्रग्स की भी लत है। अब गोविंद वाघमारे, जिसकी बंगले की कहानी हल नहीं हो पा रही थी और जो अपनी बीवी से पहले ही परेशान था, वो ड्रग्स के केस में अंदर हो जाता है। वो कैसे बाहर निकलेगा, कैसे बंगले को अपने नाम लेगा, इसी पर आधारित फिल्म की कहानी है। कैसी कहानी है? सीधे तौर पर कहूँ तो फिल्म की कहानी बहुत औसत है, और बेहतर है कि इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज़ किया गया है। फिल्म में औसत दर्जे का मनोरंजन है, वहीं फिल्म से इमोशन, सस्पेंस और थ्रिल पूरी तरह से गायब है। अगर बात करें कॉमेडी की तो बेहद हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में देखने को मिलती है। भले ही ये एक कॉमेडी फिल्म हो और फिल्म में कॉमेडी करने की कोशिश की गई हो, लेकिन आप फिर भी खुलकर हंस नहीं पाते हैं और इस मामले में फिल्म असफल हो जाती है। एक्टिंग की बात करें तो विक्की कौशल और भूमि का काम अच्छा है। कियारा भी ठीक ठाक लगी है। फिल्म का म्यूजिक ठीक है, हालांकि क्योंकि फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ऐसे में दर्शकों के पास गाने सुनने का कोई खास समय नहीं रहता है। फिल्म के बारे में एक लाइन में कहें तो फिल्म औसत दर्जे से भी नीचे की है। फिल्म ना हंसाती है, ना रुलाती और ना ही डराती है। फिल्म सपाट है, तो अगर आप कोई औसत दर्जे की टाइम पास करने के लिए फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और विकल्प है तो आप इस फिल्म को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फिल्म बहुत हल्की है और देखने के लिए कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं सिर्फ 2 स्टार। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।